दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के तहत हमीरपुर जिला ने जिला परिषद ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को सिरे से चढ़ाने में अव्वल स्थान हासिल किया है। देश भर के 629 जिलों में हमीरपुर जिला को पहला स्थान मिलने से पूरे देश भर में हमीरपुर ने अपनी अलग पहचान बनाई है। जिला परिषद भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने जानकारी दी कि जिला परिषद हमीरपुर को पुरस्कार के तहत 50 लाख रुपए, हमीरपुर ब्लॉक को 30 लाख और उखली पंचायत को 10 लाख रुपए मिला है। ये पुरस्कार गत 24 अप्रैल को बनारस में होने वाले सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से प्रदान किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अब 15 अगस्त को दिया जाएगा। जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश भर में अव्वल स्थान पर आने के लिए इसका श्रेय जिला परिषद के सदस्यों को जाता है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्यों को सरकार की योजनाओं की गाइडलाइन के मुताबिक काम किया है, जिसके चलते ही आज पुरस्कार मिल सका है। ये बड़े ही हर्ष का विषय है हमारे हमीरपुर जिला के लिए। तीनों फॉर्मेट में पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर लगभग हमारे देश में 629 जिले हैं और हमीरपुर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसको तीनों तरह का पुरस्कार प्रदेश स्तर पर प्रथम रहने पर मिला है। और इसका श्रेय मैं हमारे अपने जिला परिषद के सभी सामान्य सदस्यगणों का, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के सभी सदस्यगण और पंचायत के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को देता हूँ, जिन्होंने जिस तरह की भी गाइडलाइन, चाहे वो प्रदेश स्तर से थी, राष्ट्रीय स्तर से थी या केंद्र या प्रदेश सरकार की योजनाएं थी, उनको रूबरू अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करवाया और उसका यह परिणाम है कि हमारा जिला प्रदेश स्तर पर प्रथम आया है। और तीनों स्तरों पर हमारे जिला को, जिला परिषद को 50 लाख रुपया, ब्लॉक समिति हमीरपुर को 30 लाख रुपया और ग्राम पंचायत उखली जो भोरंज ब्लॉक से संबंध रखती है उसे 10 लाख रुपए का दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के तहत ये प्राइज हमें मिला है। यह प्राइज 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा बनारस यूपी में दिया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस अवार्ड को वहां स्थगित कर दिया गया और सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि यह कंसर्न जो भी जिला पंचायत प्रथम आई है उसे यह अवार्ड दिया जाए। राकेश ठाकुर ने कहा कि जिला परिषद के द्वारा पुरस्कार पाने के लिए पूरी मेहनत की है और जिला में सोलर लाइट, सेक्सरेशो, ऑनलाइन पेमेंट और जिला परिषद बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति के आधार पर ही हमीरपुर जिला को चुना गया है। वर्षों की मेहनत के बाद हम इस मुकाम पर पहुंचे कि हम प्रदेश स्तर पर प्रथम आए और इसमें सैनिटाइजेशन के माध्यम से या ऑनलाइन का जो सिस्टम, आज के जो पेमेंट्स है, एक ट्रांसपेरेंसी उसमें रहे, वो हमने 2018 से हमारे ज़िला ने ऑनलाइन सिस्टम किया। इसके साथ साथ सोलर लाइट्स की बात हो या हमारी जो सेक्स रेशो है उसमें हमारे ज़िला ने बहुत अच्छा काम, मतलब सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं आई लोगों को उनके बारे में जागरूक किया और उसी जागरूकता का परिणाम है कि लोगों ने भी हमारा साथ दिया और उसी साथ के साथ हमारा ज़िला आज राष्ट्रीय पटल पर प्रथम स्थान पर है। जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी में राहत के लिए जिला परिषद के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद सदस्यों ने 7 लाख की राशि विभिन्न राहत कोषों में प्रदान की है। इसके साथ साथ मैं वैश्विक महामारी में हमारी जो जिला परिषद है इसने कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमारी जो अपनी जिला परिषद निधि होती है उसके माध्यम से लगभग 7 लाख रुपया अंशदान के रूप में दिया। इसके लिए भी मैं सभी सामान्य जिला परिषद के सदस्य गुणा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।